हेलो तारा। हेलो देवदास, मगर तुमने ये घंटी कैसे बजाई? बताऊं? ऐसे। आओ। मैं इस वक्त तुमसे कुछ बात करने आया हूँ तारा। जरूर, लेकिन पहले बताओ कि पियोगे क्या? कुछ नहीं, पहले तुम यहाँ बैठो। बैठो बैठो ना। क्या बात है देवदास, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ, इतना ठीक तो मैं शायद जमाने से नहीं था। तारा, मैं समझ गया कि मेरी बीमारी जिस्मानी नहीं जज्बाती है। अगर मैं अपने आप को मायूसी और नाउम्मीदी के अंधेरों से बाहर निकाल सकूं, तो मैं फिर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूं, फिर चल सकता हूं। तुम ठीक कह रहे हो देवदास, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और उसके लिए मुझे दुनिया की किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। एक लड़की ने मेरी मोहब्बत को बर्बाद करके मुझे इस व्हीलचेयर पर बिठा दिया था। तुम मेरी मोहब्बत की दुनिया को आबाद करके मुझे इस व्हीलचेयर से उठा सकती हो तारा? ये तुम क्या कह रहे हो देवदास? हाँ तारा, तुम मेरी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर आई हो। कल रात भर जैसे कोई मेरे कानों में कहता रहा कि अगर तारा तुझे हिम्मत दे, तारा तुझे हौसला दे, अगर तारा चाहे तो फिर उठ सकता है, तो फिर चल सकता है। हाँ देवदास, तुम चलोगे, मैं तुम्हें हौसला दूंगी, मैं तुम्हें हिम्मत दूंगी, तुम चल सकते हो देवदास। हाँ तारा तुमसे कह रही है, उठ जाओ, उठो देवदास। मगर 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 कैसे? मेरी बात सुनो, अपने ऊपर यकीन करो, तुम उठ सकते हो, उठो देवदास, उठो। जमाने का मशहूर गीत है, शायद सुनाओ। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। इस वक्त इसके मन में खुशी का एक तूफान मच रहा है, ये हमारी खुशी के बेहोश भी हो सकता है, बेहोश हो जाएगा ये। यू आर राइट डॉक्टर, मैं इस वक्त खुशी से फूला नहीं समा रहा। इस खुशी में कि तुम अपने पाप खड़े हो गए हो और तुम हम सबको अब चलते दिखाई दोगे। देवदास, देवदास, क्या हुआ देवदास? देवदास, देवदास, डॉक्टर, क्या हो गया इसे? अरे बेहोश हो गया, चेयर। एक्सक्यूज मी, लेकिन ये बेहोश
बेहोश क्यों हो गया डॉक्टर खटपति? मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त इसके अंदर एक खुशी का तूफान मचा हुआ है, ये बेहोश भी हो सकता है। और ये हुआ? यस डॉक्टर, यू आर अ जीनियस। अब सुनिए, आपको क्या करना है, इसके होश में आने से पहले आप यहाँ से चली जाइए, इसकी जिंदगी से बहुत दूर। मगर क्यों डॉक्टर, अभी तो ये ठीक हुआ है। माय मिस तारा जयसिंह, क्या तुम चाहते हो कि इसके पांव दोबारा बेकार हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो हम कहते हैं वो करो। देवदास को यकीन होना चाहिए कि वो खुद अपनी वजह से ठीक हुआ है, किसी और की वजह से नहीं। तभी इसमें आत्मविश्वास आएगा और अपने पांव पर खड़ा हो सकेगा। ठीक है, आप डॉक्टर हैं, जैसा आप कहें। जाने से पहले आपके वो 5 लाख क्यों नहीं डॉक्टर जड़ी बूटी, ये अभी जा रही है, अब आप इनसे 5 लाख रुपया कैश ले लीजिएगा। गुड बाय मिस कैश, गुड बाय मिस तारा जय सिंह, मुझे तो सुबह तक इनके सिरहाने बैठना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, ये वो जो मेम साहब यहाँ ठहरी थी वो तो चली गई। और वो डॉक्टर खटपटी और जड़ी बूटी जी कौन सर? चलो अंकल, इस तारा जैसिंग से हम और भी बहुत कुछ निकलवा सकते हैं। रबड़ को इतना ना खींचो सीमा की वो टूट जाए, 5 लाख मिल के काफी है, उधर जाना है। डॉक्टर खटपटिया, डॉक्टर जड़ी बूटी। चलो तो आखिर हमने किया क्या है? हा? आप लोगों ने क्या किया है? हा? आप दोनों ने एक क्या नाम इसका अरुण कुमार उसके साथ मिलकर फ्रॉड किया है, 5 लाख का फ्रॉड। 5 लाख? कैसे 5 लाख? डॉक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि एक क्या नाम उसका तारा जयसिंह, उसने आप तीनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई हुई है। वो तारा जयसिंह अभी आती ही होगी, बंद कर दो इन दोनों को जब तक। अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए, बात सुनने में क्या जाता है? अरे सुनिए ना, परंतु बात बनी बनाई बात इस तरह बिगड़ कैसे गई? ये जरूर उस देवदास, नहीं वो अरुण कुमार, जो भी है उसकी मेहरबानी है। इस जिंदगी में पहली बार हमें हवालात की हवा खानी पड़ रही है। जी हाँ, हमारी आवाज को आप ठीक कह रही, आप पहली बार हवालात की हवा खा रही, और मैं तो जैसे तिहार जेल में ही पैदा हुआ था। अरे लाइफ में पहली बार इस मुसीबत में फंसा हूँ तुम लोगों की वजह से। हमारी वजह से? अरे तुम्ही लोगों ने इतनी जल्दबाजी से काम लिया, अब यहाँ ऐश करो उन 5 लाख रुपयों के साथ। अरे अंकल, मुझे तो लगता है इसी ने कोई बेवकूफी की है, इसी की वजह से आज हम लोग। एक मिनट, अब हम चाहें या ना चाहें एक ही कश्ती में सवार है, इसे बजाय लड़ने के सर जोड़ कर कोई तरकीब सोचो। वरना अभी तो ये हाल है कि मुझे मेरी जवानी के जमाने का एक मशहूर गीत याद आ गया, शायद सुनाओ। कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए। अंकल श्री, आप तो भले आदमी लगते हैं, फिर आप कैसे इस तरह के चक्रों में? मेरा मतलब, मैं समझ रहा हूं, मैं हमेशा ऐसा नहीं था, मैं एक शरीफ और ईमानदार इंसान था। मेरे दो भाई मेरा बिजनेस संभालते थे, फिर एक दिन मेरे सगे भाइयों ने मुझे पाई पाई का मोहताज कर दिया, मैं दिवालिया हो गया, और उस दिन मुझे प्यार करने वाली बीबी हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। उस दिन मैंने जाना कि ये दुनिया अंकल कुछ रखा नहीं है, यहाँ हर चीज हर इंसान बिकता है, सही कीमत लगाने की देर है, सबको खरीदा जा सकता है, सबको। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, इसका मतलब ये है कि इस इंस्पेक्टर को भी खरीदा जा सकता है। क्यों नहीं? यस, गुड आइडिया। पहेलियां मत बुझाइए, जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए। तो फिर सुनिए, हमारे बैग में 5 लाख रुपया है, वो 5 लाख रुपए तारा जयसिंह को मिल जाए और हम जेल चले जाएं, इसमें ना तो हमारा फायदा ना आपका। आपका और हमारा फायदा तो इसमें है कि हम जेल ना जाएं, हाँ। और ये 5 लाख रुपए तारा जयसिंह के बजाय आपको मिल जाए। तो आप लोग मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? क्यों? आप बिल्कुल ठीक समझे इंस्पेक्टर साहब, हम आपको 5 लाख रुपए रिश्वत देना चाहते हैं। अरे जान छुटी लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। मगर यार इस किस्से में जितने आए उतने चले गए, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा पार आना। अगर भैया कोई ऐसा खेल हो जो हम सब लोग मिलकर खेल सके तो ये हमारा नंबर है बम्बई का। टैक्सी। अच्छा हम लोग चलते हैं, वेरी नाइस मीटिंग यू। सेम हियर, नाइस मीटिंग यू। ओके बाय बाय, कम ऑन सीमा।
बाय। अंकल, आपने मुझे आज तक अपने भाइयों और बीवी का किस्सा पहले तो कभी नहीं सुनाया। पहले कैसे सुना था? वो किस्सा तो मैंने वही जेल में बैठे बैठे बनाया था। मतलब वो सब झूठ? हाँ बिल्कुल झूठ। मगर क्यों? अब सीमा, मैं इतना भी लालची नहीं हूँ कि बिना किसी फायदे के झूठ ही ना बोलूं। वैसे काफी इमोशनल हो गया था अरुण कुमार मेरी कहानी सुन के। गुड एक्टिंग। ओह माय गॉड, क्या हुआ? मैं अपना वैनिटी केस पुलिस स्टेशन में भुलाई हूँ। अरे अरे, जाओ जल्दी पुलिस स्टेशन चलो। अरे टेलीफोन उठाओ, नहीं तो आज कभी भाड़ा लग जाएगा। चलो जल्दी 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 जल्दी। अरे भाई सुनो, ये पुलिस स्टेशन तोड़ क्यों रहे हो? कहीं और शिफ्ट हो रहा है क्या? पुलिस स्टेशन? अरे ये तो हमने पुलिस स्टेशन का सेट लगाया हुआ था। जल्दी जल्दी। आप कौन? अरे साहब, मैं इस कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। प्रेम जल्दी चाय पिला। मगर अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ आए। ये साहब पुलिस स्टेशन नकली था, समझे आप? अरे प्रेम चाय पिलाएगा कि नहीं? और यहाँ जो पुलिस वाले थे वो? अरे साहब वो सब नकली पुलिस वाले थे। अरे जल्दी समझ उठे ना। और हमारे 5 लाख रुपए मारू मारू देवदास की जेब में। बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं आप लोग, बहुत अच्छी। ये तुम्हारे लिए मैकमोहन। थैंक यू वेरी मच अरुण। लेकिन यार तुमने भी खाएंगे? नहीं मैं ये फल फ्रूट नहीं खाऊंगा, अभी मुझे 2-3 दिन भूखा रहना है। यार मैकी, तुम मेरे लिए एक छोटी सी एक्टिंग और करोगे? दहाड़े एक आदमी मैडम का पर्स लेकर भाग गया। पर्स में कुछ ज्यादा तो नहीं? नहीं, ऐसे कुल 8-10 हजार, मगर कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स थे। एक्सक्यूज मी, ये आपका पर्स। थैंक यू। तुम्हें ये पर्स कहाँ मिला? मैं उसके पीछे भागा था। हाँ राइट, ये उसके पीछे भागा था। मैंने उसे आगे पकड़ लिया, वो तो निकल गया, लेकिन मैंने उसे पर्स छीन लिया। देख लीजिए सब ठीक है ना? मुझे तो बस इन पेपर्स की फिक्र थी। ये लो, तुम ये रख लो। नहीं नहीं, शर्मिंदा मत कीजिए, मैंने जो किया मेरा फर्ज था। अच्छा, नमस्कार। सुनो, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? जी, कहीं कोई नौकरी दिला सकती है? मैं बहुत तकलीफ। अरे देखो क्या हुआ इसे। मैडम आप बैठ जाइए ना। मैं ठीक हूँ डॉक्टर। चिंता की कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, अब होश में है। लेकिन वो बेहोश हो क्यों गया था? बेचारा कोई बेरोजगार नौजवान लगता है, स्टमक बिल्कुल खाली था। मेरे ख्याल से कम 2-3 दिन से उसने खाना ही नहीं खाया होगा, इसलिए बेहोश हो गया। कमाल है, 3 दिन भूखा रहने के बावजूद आपका नोटों से भरा बैग वापस कर दिया। हाँ मैडम, तो बाद में इनाम भी दे रही थी, वो भी लेने से इनकार कर दिया। डॉक्टर, क्या मैं उस लड़के से मिल सकती हूँ? नहीं नहीं, लेके रहो लेके रहो। मैं ठीक हूँ, बैठिए ना। आपने बेकार यहाँ आने की तकलीफ की। नहीं, तकलीफ कैसी? तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे घर वालों की इत्तला करनी हो तो? जी, मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं? माँ तो मेरे जन्म के साथ ही इस दुनिया से, पिताजी ने पाला, मेरी उम्र 15 बरस की थी तब वो भी इस दुनिया से। अच्छा, मैं एक दिन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। क्या करते थे तुम्हारे पिताजी? टीचर थे, मास्टर दीनानाथ। हमेशा कहते थे, अरुण बेटे मेरे पास कोई दौलत है तो ये ईमानदारी, एक खजाना तुम्हें देकर जा रहा हूं, इसे कभी लूटने ना देना मेरे लाल। पता नहीं मैं अपने पिताजी के आदर्शों की रक्षा कर पाऊंगा या नहीं। क्यों नहीं कर पाओगे? कर तो रहे हो। आज अगर तुम्हारे पिता मास्टर दीनानाथ होते तो तुम पर फखर करते वो।
गौरव करते। थैंक यू। देखो तुम्हें नौकरी की जरूरत है और मुझे तुम जैसे ईमानदार इंसान की, इसलिए समझो कि आज से तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, मेरे साथ चल रहे हो।